हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, कल अपन ने एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पढ़ लिया था। अब अपन नेक्स्ट, या ये मान के चलो लास्ट ही टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का परिवर्धन। अब देखो, आपके कोर्स में जो डाइकोट है, द्विबीजपत्री है, उसका डिटेल में, एक बीजपत्री से मतलब नहीं है। तो अपन सबसे पहले इसमें जो डेवलपमेंट देखेंगे वो डाइकोट प्लांट का देखेंगे। और इसमें थोड़ी सी आप ये देख लो कि सबसे पहले कैप्सुला, ये प्लांट का नाम है, इसमें इसका ये द्विबीजपत्री, तो इसका जो स्टडी या आप कह सकते हो अध्ययन है वो हेंस्टीन ने 1840 में किया था। ठीक है, तो अब देखो अपने को ये डायग्राम आपको मैं दिखा रही हूँ, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चलना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो कल अपन ने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन में, तो एम्ब्रियो बन रहा था और दूसरे में क्या बन रहा था, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का तो आपने देख लिया कल। अब देखो जाइगोट, और जाइगोट क्या है, एक सेल है इसमें, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हुआ है। फ्यूजन होने के बाद में यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जाइगोट, या जिसे बोलते हैं युग्मनज। अब इसमें सबसे पहले डिवीजन होगा, और वो डिवीजन आपको दिख रहा है, ये कौन सा डिवीजन है, अनुप्रस्थ या ट्रांसफर डिवीजन। अब यहाँ पे देखो, एक है टर्मिनल सेल और एक है बेसल सेल। तो इसको आप टर्मिनल को शीर्षस्थ कह सकते हो और बेसल को आप क्या कह सकते हो, आधारी कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरफ कौन सी चीज बनेगी। तो जो बेसल सेल है, वो बेसल सेल किसकी तरह बनेगी, जो माइक्रोपाइल एंड है या जो बीजांड द्वार है उसकी तरफ है, और टर्मिनल जो है वो किस तरफ होगी, चलाजल की तरफ। तो सबसे पहली बात तो आपको ये बतानी है कि जब ये विभाजित होगा तो इसकी दो कोशिकाएं बनेंगी, और ये कोशिकाएं एक तो मतलब चलाजल की तरफ तो होगी टर्मिनल, और माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार की तरफ होगी कौन सी, बेसल सेल। अब देखो, सबसे पहले अपन टर्मिनल सेल का ले लेते हैं। पहले इसमें जो है फर्स्ट तो कौन सा हुआ था, अनुप्रस्थ, अब होगा लंबवत या वर्टिकल। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो जो वर्टिकल होगा और उस वर्टिकल से ये एक से दो सेल्स में बन जाएंगी। वहीं आप जो बेसल सेल का देख रहे हो, तो बेसल सेल में अब कौन सा हो रहा है, ट्रांसफर। तो बेसल सेल में तो लगातार ट्रांसफर डिवीजन ही होंगे, और नीचे आप देखो सस्पेंसर, तो इस तरीके से एक बड़ी सी स्ट्रक्चर होगी जिसमें 6 से 8 सेल्स होती हैं, और वो एक बाद में जाके ये होस्टोरिया बनेगी। तो अभी आपको पहले अपन ऊपर वाले का देख लेते हैं। तो पहले ए टर्मिनल सेल, फिर ये इसमें लंबवत डिवीजन हुआ, लंबवत मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ जिससे दो सेल्स बनी, और फिर उसके बाद में इसमें होगा ट्रांसफर। जो नेक्स्ट आप देख रहे हो, तो उसमें देखो अब 4 सेल्स बन गई। तो ये जो 4 सेल्स बनी है इसको अपन क्या बोलते हैं, चतुष्टांग या अपन क्वाड्रेंट। तो 4 हो गई यहाँ पे। फिर वापस से इसमें एक और अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जैसे वो आपको इस तरह से नहीं दिखेगा, दूसरी तरफ से होता है। तो ये किसमें बन जाता है, 8 कोशिकीय संरचना में। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अष्टांग या ऑक्टेंट। तो इस तरीके से बन गया। फिर उसके बाद में इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है, अपनत विभाजन होता है, जिससे क्या होता है कि दो दीवार बन जाती है। पहले तो पेरिक्लाइनल होता है जिससे 8 सेल्स बाहर की तरफ और 8 सेल अंदर की तरफ। जैसे मान लो कि एक बॉल है, उस बॉल का अगर अपन ने कवर उतार लिया तो वो दो में हो जाएगी, बाहर और अंदर। तो जो पेरिक्लाइनल है वो तो क्या करेगी, एक बाहर की मेम्ब्रेन बना देगी और एक अंदर वाली। तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे तो अपन क्या बोलेंगे, बाह्य त्वचाजन या डर्मेटोजन, और जो अंदर वाली होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, आंतरिक परत।
फिर उसके बाद में जो डर्मेटोजन है, जहनी बाहर वाली है, उसमें फिर एंटी क्लाइनल डिवीजन होता है, और एंटी क्लाइनल डिवीजन होने से उसमें बहुत सारी जो है सेल्स बन जाती हैं, और आप देख भी रहे हो डायग्राम में बहुत सारी सेल्स हैं, और वो एक आवरण या एक कवर की तरह दिखाई दे रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा। तो बाह्य त्वचा बन गई। अब अंदर जो कोशिकाओं को आपका समूह दिखाई दे रहा है, यही कोशिकाओं का समूह जो है विभाजन करके क्या बनाएगा, हाइपोकोटाइल बनाएगा, कोटिलिडन बनाएगा, ग्राउंड मेरिस्टेम बनाएगा, और प्रोगैम्बियल सिस्टम बनाएगा। तो इन्हीं के द्वारा जो है लगातार अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य विभाजन होंगे, जिससे कि एक बहुत बड़ी संरचना बनेगी। और नेक्स्ट आप नीचे की तरफ देखो कि यह आपको जैसे पहले तो थोड़ा सा वी शेप और फिर धीरे धीरे हर्ट शेप में चेंज हो जाएगा, और ये दो भागों में डिवाइड होगा, जिसे अपन क्या बोलेंगे, कॉटिलिडन। तो ये कॉटिलिडन या बीज पत्र है, इस तरीके से यहाँ दिखाई देगा। और अब अगर अपन बेसल सेल की देखते हैं, तो जो बेसल सेल है वो बेसल सेल लगातार उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, और अनुप्रस्थ विभाजन के बाद में एक सस्पेंसर जो आपको दिख भी रहा है, सस्पेंसर बनता है, जिसमें आज 8 से 6 से 8 या 10 ये मान के चलो इतनी सेल्स होती हैं। और इसमें जो है सबसे लास्ट वाली जो आप सेल देख रहे हो, वो सेल्स जो है बहुत बड़ी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, चूसकांग या होस्टोरिया, और यही जो है बीजांड द्वार के पास में रहती है और अवशोषण का कार्य करती है, एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है पोषण के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर अपन इसके ऊपर वाली जगह देखें, तो ऊपर आपको जो है हाइपोफाइसिस, तो ये हाइपोफाइसिस किसमें, सस्पेंसर वाले में। तो नीचे वाली तो क्या हो गई, होस्टोरिया या चूसकांग, और ऊपर वाली सेल्स क्या हो गई, हाइपोफाइसिस। और यहीं से क्या बनता है, रेडिकल या मूलांकुर बनता है, जिससे कि मूल या रूट का डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद में देखो कि जो ये ग्लोब्यूलर स्टेज है, या जो ये हर्ट शेप की आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसी में लगातार ये जो है अलग होती जाएगी, और इससे दो कॉटिलिडन बन जाएंगे, और जहां पर दो कॉटिलिडन दिख रहे हैं वहीं पर क्या बनेगा, प्लूमूल, या जो जिसे नोच आप कह सकते हो, वहां पर प्रांकुर बनेगा, और इस प्रांकुर से किसका निर्माण होगा, सूट या तने वगैरह उसका निर्माण यहाँ पर होता है। अब देखो अपन लास्ट जो स्टेज है, या जो आपको दिखाई दे रही है, उसको अपन बोले टॉर्पीडो स्टेज। टॉर्पीडो एक मछली होती है, तो वैसे ही दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टॉर्पीडो स्टेज। और यहाँ पे आपको रूट मेरिस्टेम दिख रहा है, जो कि रेडिकल से बना है, शूट मेरिस्टेम दिख रहा है, जो कि प्रांकुर या प्लूमूल से बना है, कॉटिलिडन आपको दिख रहे हैं, और नीचे होस्टोरिया दिख रहा है। तो अगर आप वैसे देखोगे तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपको किसमें दिखाई देगी, बीजांड के अंदर, यानी कि पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो किसमें बदल जाएगा, सीड के अंदर बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये कई बार आता है कि एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है, बीज पत्रों परिक और बीज पत्राधार। तो यहाँ पे जो भ्रूण अक्ष, जैसे कभी आपने चने वगैरह का देखा होगा, तो उसमें आपको दोनों के बीच में एक लंबा पतला स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो बीज पत्रों के ऊपर का जो भाग है वो तो कहलाता है एपिकोटाइल, और इसके नीचे वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है, बीज पत्राधार या हाइपोकोटाइल। और ये जो बीज पत्रों परिक है, इसी से कौन डेवलप होता है, या ये मान लीजिए इसका जो एपिकल पार्ट है वो क्या कहलाता है, प्लूमूल, और इससे जो है सूट सिस्टम या प्ररोध तंत्र बनता है, जबकि जो नीचे वाला भाग है वो मूलांकुर कहलाता है, रेडिकल कहलाता है, और इससे क्या बनता है, रूट सिस्टम। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है, और इसी में जो बीज पत्र हैं, जो कॉटिलिडन है, उनमें फूड जो है स्टोर रहता है, और जब सीडलिंग होता है, जब सीड जर्मिनेट होता है, तो इन्हीं कोटिलेडन से जो है इनको पोषण मिलता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे कोटिलेडन तो हो जाते हैं डिस्ट्रॉय, और ये जो है पूरा का पूरा प्लांट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सारी स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस के अकॉर्डिंग इसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है।
तो ये आपके हालांकि वो नहीं है, क्या कहते हैं, एक बीजपत्री का नहीं है। बस आप वैसे भी अगर कभी आज भी जाए बाय चांस, तो आपको जो ग्लोबुलर स्टेज है उसके बाद में दो कोटिलिडन नहीं दिखाना है, केवल एक ही कोटिलिडन दिखाना है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं। अब देखो अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बीज का परिवर्धन या डेवलपमेंट ऑफ सीड। यहाँ पे मैं आपको दो सीड दिखा रखे हैं। तो अब देखो जब हालांकि नॉर्मली जो है सीड फॉर्मेशन होता है, तो वो ये मानते हैं कि जो ओव्यूल है, जो बीजांड है, वही आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में चेंज होता है, सीड में चेंज होता है। तो वही सारी की सारी स्ट्रक्चर है कि जैसे वहाँ पे दो अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी दो सीड कोट होते हैं, दो आवरण होते हैं। जो बाह्य वाला आवरण होता है उसे बोलते हैं टेस्टा, और जो अंदर वाला होता है उसे बोलते हैं टेग्नम। तो अभी जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें टेगमेन को पूछा गया था क्वेश्चन, तो जो बाहर वाला है वो टेस्टा और अंदर वाला है वो टेगमन। ठीक है, फिर उसके बाद में बाकी सारी स्ट्रक्चर अभी मैं आपको टेबल में बताऊंगी। तो सारी की सारी जो ओव्यूल है उसके फर्टिलाइजेशन के बाद में वही जो पार्ट्स हैं वो सीड्स में आपको दिखाई देंगे, और उनमें कुछ कुछ चेंजेज आएंगे, बाकी चेंज उसमें नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो थोड़ा आप देख लो कि जैसे मान लीजिए कि काली मिर्च का इसमें एग्जाम्पल दिया है ब्लैक पेपर। तो ये जो ब्लैक पेपर्स है अधिकतर तो जो बीजांड का है या न्यूसिलस है वो एम्ब्रियो या सीड डेवलपमेंट के टाइम में ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो काली मिर्च है ब्लैक पेपर है उसमें जो है बीजांड का या न्यूसिलस रहता है, एक पतली सी झिल्ली या बहुत थिन मेम्ब्रेन के रूप में, और इसे अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। तो इसको याद कर लेना कि पेरिस्पर्म क्या है, कि जब न्यूसिलस है वो एक झिल्ली के रूप में रह जाता है सीड में भी, तो उसे क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म। फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल है लीची का। लीची में क्या होते हैं, दो की जगह तीन अध्यावरण होते हैं, तो जो तीसरा अध्यावरण होता है या इंटेग्यूमेंट होता है वो उसमें खाने योग्य, जो एरिल बाग है, आप लोगों ने लीची खाई होगी, तो उसमें जो सफ़ेद जो अपन खा रहे हैं वो चीज़ क्या कहलाती है, एरिल। और ये भी एक एक्सेप्शन है। फिर एक एग्जाम्पल है यहाँ U4BSE का, जिसमें जो है अरंड का बीज या कैस्टर सीड को अपन लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, जो सीड है उसके ऊपर सफ़ेद रंग के रुई जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कैरेंकल। तो ये भी एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। फिर उसके बाद में कुछ मोनोकोट्स हैं, उन मोनोकोट्स में भी ये बीजांड द्वार के पास में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बोलते हैं ओपरकुलम। तो ये कुछ चीज़ें आपको थोड़े एक्सेप्शन के रूप में यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब देखो अपन एक चीज और पढ़ रहे हैं कि जो सीड्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, अभ्रूणपोषी या जिसे नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं, और भ्रूणपोषी यानी कि एंडोस्पर्मिक। यानी कि जब ओव्यूल से सीड बनता है तो उस समय अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम बोलते हैं अभ्रूणपोषी। और अधिकतर जो सीड्स हैं वो ऐसे ही होते हैं, जो या आप मान के चलो कि डाइकॉट में जो है वो इसी तरीके के सीड्स यहाँ पे होते हैं, जिनमें कि भ्रूणपोष सीड बनने के टाइम पर नहीं रहता है। और इनमें जो फूड स्टोरेज है वो फूड स्टोरेज किस में होता है, कॉटिलिडन में। फिर अपने पास में देखो, आप डायग्राम में भी देख रहे हो, फिर उसके बाद में जो भ्रूणपोषी है उन भ्रूणपोषी में, ये अधिकतर मोनोकोट्स में होते हैं, यहाँ आपको दिख भी रहा है रेड उससे बनाया हुआ है। तो ये एंडोस्पर्म है, ये जितने भी आपके मक्का बाजरा वगैरह है उसमें आपको दिखाई देंगे। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, भ्रूणपोषी, कि सीड बनने के बाद भी इसमें एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक टेबल दिखा रही हूँ, और ये टेबल आप देख लेना, इसको उतार लेना, कि इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन से पहले थे और उसके बाद में वो कैसे चेंज हुए। तो जैसे स्टार्टिंग में सेपल, पेटल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, तो ये सारे फ्लावर के पार्ट हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में
ये हमें नहीं मिलते हैं, ये क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर उसके बाद में हम ओवरी की बात कर रहे हैं तो ओवरी किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में। फिर ओव्यूल है वो किस में चेंज हो जाता है, सीड में। एग सेल जो है वो किस में चेंज हो जाती है, जायगोट में। फ्यूनिकल जो है वो किस में चेंज हो जाता है, सीड के स्टॉक में। फिर माइक्रोपाइल है वो सीड में आपको गड्ढे के रूप में दिखाई देता है। फिर न्यूसीलस, जो न्यूसीलस है वो मिलता भी है और अगर नहीं मिलता है तो पेरिस्पर्म के रूप में, और नहीं मिलता है तो ये एब्सेंट हो जाता है। फिर उसके बाद में जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो टेस्टा यानी सीड कोर बनाता है, उसमें मिल जाता है, और जो इनर वाला है वो टैगमेन बनाता है। फिर उसके बाद में जो सिनर्जिट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस है एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है, और एंटीपोडल जो सेल्स हैं वो सेल्स भी क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय या डीजनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है जब सीड फ्रूट में डेवलप होता है तो इस तरीके से अपने को सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अब इसमें देखो एक लास्ट टॉपिक है फल का डेवलपमेंट, या अभी आपको बताया था कि फ्रूट है वो किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में हो जाता है। और यहाँ पे तीन तरीके के फ्रूट्स हैं। एक तो है आपका कौन सा, ट्रू फ्रूट्स, यानी कि अगर ओवरी फ्रूट में चेंज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट या वास्तविक। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी ग्रेप का दे रखा है जिसमें आपको पेरिकार्प फ्रूट और सीड्स इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो कहलाता है सत्य फल। और असत्य या आभासी या जो फॉल्स फ्रूट है वो फॉल्स फ्रूट है जिसमें आपका एग्जांपल एप्पल दे रखा है। और इसमें जो एडिबल पार्ट है, अपने को ये ध्यान रखना है कि जो एडिबल पार्ट है अगर हम ओवरी का ले रहे हैं तो सत्य है, और अगर हम ओवरी के अलावा किसी और का लेते हैं तो वो असत्य हो जाता है। तो इसमें जो एप्पल होता है उसमें हम अधिकतर जो थैलेमस होता है वो थैलेमस खाते हैं, बाकी जो उसका फ्रूट पार्ट आपको पेरिकार्प सीड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली इसका क्या है, रियल भाग है। बाकी हम खाते हैं वो कौन सा खाते हैं, फ्लावर का पार्ट, या जिसको आप थैलेमस या जो पुष्पासन है वो आप इसको कहते हो। तो इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद में देखो एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है जिसे अपन बोलते हैं अनिषेक जनन, या बिना निषेचन के फल का बनना। तो इस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। और जो फ्रूट हमारे पास बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी फ्रूट। तो इस तरीके से जो है ये देखो मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ, तो एक में आपको दिख रहा है कि सीड्स हैं और एक में सीड्स नहीं है। तो जो फर्टिलाइजेशन से बनेगा उसमें तो सीड्स होंगे, और जो नहीं फर्टिलाइजेशन से बनेगा उसमें सीड्स आपको नहीं दिखाई देंगे। तो जो सीडलेस हैं वो तो क्या कहलाते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और जिनमें सीड्स होता है वो कौन से कहलाते हैं, आपके ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपके तीन तरीके की चीज़ हो गई। अब ये देखो जो पार्थेनोकार्पी है ये नेचुरल भी है, नेचुरल जैसे केला है, अंगूर है, पपीता है, इनमें आपने बीज नहीं देखे होंगे, तो ये तो नेचुरल पार्थेनोकार्पी है। लेकिन आजकल जो है हार्मोन की सहायता से जो है हम इस तरीके के इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी करते हैं, प्रेरित पार्थेनोकार्पी करते हैं, क्योंकि हमें किसी भी फ्रूट में सीड हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। सीड किसके लिए है, जो फार्मर्स हैं उनके लिए होता है। इसलिए जो है आजकल जैसे पपीता है तो पपीता में आप देखते हो इतने सारे सीड हैं और हम उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो उसको बनाने में फ्रूट ने बहुत सारी पावर लगाई है, तो उसी पावर को सेव करने के लिए अगर हम सीडलेस फ्रूट बना लें तो हमें और भी ज़्यादा न्यूट्रिटिव जो है फ्रूट वहाँ पर मिलेगा। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद में देखो लास्ट में आप ये देखो इसमें पीढ़ी एकांतरण दिया हुआ है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये बहुत सिंपल सा है कि जैसे मान लीजिए फ्लावर है तो फ्लावर मेल और फीमेल है, तो इधर ओवरी है, इधर एंथर है मेल, तो एंथर से पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। फिर में मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो पोलन ग्रेन बन रहा है। फिर माइटोसिस हो रहा है तो जर्मिनेशन हो रहा है। और इधर आप देखोगे
तो इसमें भी मेगास्पोर बन रहा है, ओव्यूल बन रहा है, फिर उसके बाद में एम्ब्रियो सैक बन रहा है, फिर उसके बाद में दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है, जर्मिनेट होता है और फिर वापस से प्लांट बन जाता है। तो ये इस तरीके से जो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रहा है। अब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन सा है कि जो ये मेगा स्पोर्स वगैरह बन रहे हैं जो कि एन है, वो तो कहलाती है आपकी कौन सी, गैमेटोफिटिक स्टेज, और जहाँ पर 2N है वो चीज़ क्या कहलाती है, स्पोरोफिटिक। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, उसमें हैप्लोइड और डिप्लोइड दोनों के बीच में ऑल्टरनेशन चलता रहता है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आप इसको, अब अपन जो स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर, ठीक है, ओके, थैंक यू।